नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आपके सपने में। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कुछ सपने हैं और ये फलदायक शुभ फलदायक सपने हैं। इनमें से आपको जो भी सपना आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें पहले। तो चलिए देखते हैं कौन से सपने होते हैं जो शुभ होते हैं। सबसे पहला सपना है स्वप्न में देव दर्शन करना, पितृ दर्शन करना या भाई बहन और कुटुंबियों का देखना शुभ माना जाता है। दूसरा है सपने में स्वयं को मृतक देखना, सर्प द्वारा काटना, खून निकलना या स्वर्ग दर्शन करना, सर्प को मारना या चंद्र ग्रहण को देखना या सेना को देखना, वर्षा होते हुए दिखाई देना, सारी मनोकामनाएं ये पूर्ण करते हैं। तीसरा है यदि स्वप्न में स्वयं को मल में लिपटा हुआ देखते हैं या सांप आपको काट रहा है तो इसका मतलब है आपको धन की प्राप्ति होगी। सपने में आपके सिर पर सांप काट ले तो आप राजा तक बन सकते हैं। स्वप्न में मृत्यु, शमशान में अत्येष्टि ठीक है और सब आदि दिखाई दे तो शुभ लाभ होगा, उन्नति और मनोरथ की प्राप्ति होगी। पांचवा है स्वप्न में मृत्यु देखना, लाश देखना, पखाना देखना आदि शुभ, हाथी घोड़े द्वारा पीछा करना, कोई बड़ा सम्मान या आपको कोई आपका प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति मिल सकती है आपको। स्वप्न में सुंदर स्त्री या अप्सरा देखना प्रेमी या प्रेमिका से मिलाप कराता है। सातवां है स्वप्न में दांत टूटना या नाखून काटना, कर्ज से मुक्ति, ट्रेन दिखना, यात्रा कारक, बाग बगीचा या हरा भरा मैदान देखना चिंता से मुक्ति दिलाता है। स्वप्न में अपने को उड़ता देखना यह आत्मविश्वास या स्वतंत्रता एवं मोक्ष का दर्शन है। आधुनिक विचारधारा इसे असाधारण क्षमता के प्रतीक के रूप में देखती है। नौवा है यदि स्वप्न में कबूतर दिखाई दे तो यह शुभ समाचार का सूचक है। दसवां है यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति अपनी खोई हुई वस्तु प्राप्त करता है तो उसे आगामी जीवन में सुख मिलता है। इनमें से यदि आपने एक भी सपना देखा है, एक भी चीज़ देखी है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर कर दें एंड थैंक यू सो मच।